गुच्चू पानी। तो ऐसा क्या है गुच्चू पानी? वैसे कहानी आज की थोड़ी लंबी है, तो ध्यान से और अच्छे से सुनना। तो जैसे मैं व्लॉग में आगे बढ़ू, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुच्चू पानी ऑल्सो नोन एज रॉबर्स के मतलब डाकू की गुफा की एक काफी पुरानी कहानी है, तो उसके लिए आपको ध्यान से एकदम सुनना पड़ेगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इतनी डरावनी नहीं है, वैसे वो जगह काफी ज्यादा डरावनी है, पर स्टोरी थोड़ी सी सही है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो आज से करीब 200 साल पहले यानी 18वीं सदी में अंग्रेजों से बचने के लिए यहाँ के कुछ डाकू अपने को छुपाने के लिए इस गुफा में घुसते थे और यहाँ पे छिप जाते थे। गुफा जब आप देखोगे ना, दोनों तरफ से पत्थरों से घिरा हुआ है और बीच में काफी सारे पेड़ है, पौधे, और आखिरी में जाते जाते एक वाटरफॉल है, उसके बाद एक जंगल है। तो ये गुफा जो था उनके लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव, और वो अपने आप को यहाँ पे अच्छे से छुपा लेते थे। जब ये चोरी करते थे, फिर कहीं पे डाका डालते थे, तो सारा का सारा खजाना अपने इस गुफा में लाके छिपा देते थे। तो आज से करीब 200 साल पहले ब्रिटिशर्स से बचने के लिए खुद को यहाँ पे छुपाते थे, इसीलिए इस केव का नाम रॉबर्ट्स केव रख दिया गया। तो जब मुझे पता चला कि ये जगह मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, तो मैंने डिसाइड किया कि यार सबसे पहला जो डेस्टिनेशन मुझे कवर करना है वो यही जगह होगा। तो क्या था, मैंने अगले दिन सुबह सुबह राजा बाबू बन के तैयार हो गया और निकल गया फिर गुच्चू पानी के लिए। जिमी कैसा है? दादी गुड मॉर्निंग। कितना चिल्लाएगा? हाँ नहीं, मैं जा रहा हूँ गुच्चू पानी। चलो आप भी चल रही हो? नहीं, ये वीडियो भी बना रहा हूँ साथ में। कैसा है, खाया कि नहीं कुछ? ये खा चुका है। आ जा, तू भी फुटेज ले ले थोड़ा सा, जिमी तो लेता ही रहता है। हाँ बोल। तो यहाँ से गुच्चू पानी का जो डिस्टेंस है वो 2.7 km है, आप देख सकते हो फोन में, तो वैसे ब्राइटनेस इतना ज़्यादा नहीं है। और मौसम का अगर हाल बताओ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है, धूप भी अच्छा खासा निकला हुआ है। सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, मैं डर गया था कि यार अगर बारिश हुई, क्योंकि गुच्चू पानी में जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है ना तो उसको बंद कर देते हैं। ये जिमी आ रहा है, जब ये आता है साथ में ना तो सारे जो एरिया के कुत्ते होते भौंकने लगते हैं। और इसको इग्नोर करने का मैंने एक तरीका ढूंढ लिया, इसको वापस भेजने का। जब भी मैं रास्ते में चलूंगा ना तो इसको इग्नोर करता रहूंगा, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, इसको ऐसे पूछूंगा ही नहीं कि मेरे पीछे जिमी आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि वापस चला जाता है, इसको टेंशन नहीं मिलता है। तो ये ट्रिक मैं अपनाऊंगा, देखता हूं कितने पीछे तक आता है ये। पर्यटक स्थल गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव में आपका हार्दिक स्वागत है। 900 मीटर राइट साइड, मतलब इधर से जाना है। अंकल एक टिकट। भैया गुफा के अंदर एंट्री नहीं है, गुफा से बार बार घूम के आओगे। मतलब कितना है? कुछ नहीं है, गुफा के बाहर ही बाहर है। आज वीकेंड में मना है। वीकेंड में मना है? अब अगर मेरे व्लॉग में ट्रेजेडी ना होना तो व्लॉग का मजा नहीं आएगा। तो हुआ क्या कि मैं गया था सैटरडे के दिन, और वीकेंड्स के दिन गुच्चू पानी में अंदर जो केव है वहां पे जाना अलाउड नहीं था। और गया तो था मैं, लेकिन यार बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि मैं एकदम पूरे मूड से गया था यार ना एकदम ढांसू व्लॉग शूट करूंगा। बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आज तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर व्लॉग अंदर तक मैंने शूट नहीं किया ना तो मुझे खुद को खुशी नहीं मिलेगी, और जो केव है ना यार उसके बारे में मैंने काफी ज्यादा सुन रखा था। तो मैंने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं, और अगले दिन मतलब मंडे के दिन मैं वापस आके पूरा ये केव घूमूंगा। तो फिर मैं अगले दिन यहाँ पे आया फिर से वही सेम टिकट लेने और अंदर जाने के लिए। तो एंट्री करते ही आपको ऐसा वाटर फ्लो दिखेगा, और इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है, और ऐसे वहाँ से पानी होते हुए आ रहा है। अंदर जब चलेंगे तो वो हमको इसका पूरा सोर्स दिखेगा, क्योंकि अंदर एक वाटरफॉल है, एक केव है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आज का मौसम जो है पूरा ऐसे बारिश टाइप का है, तो हो सकता है बारिश हो जाए। वैसे बारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यार आराम से रेडी होकर आया हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ आने से पहले आपको स्लीपर पहन के आना है, शूज़ वगैरह नहीं पहन के आना है, क्योंकि अंदर वाटर फ्लो है और केव के अंदर से जाना है तो आपका पूरा शूज़ भीग जाएगा। अंदर ढेर सारे शॉप्स हैं जहाँ पर आपको स्लीपर्स देते हैं, बट आप अपना पहन के आओगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो चलते हैं अंदर फिर। तो
तो आप देख सकते हो एंट्री करने के बाद मेरा पैर यहाँ तक पूरा घुस चुका है पानी में, और यही रीज़न है मैंने आपको स्लीपर सजेस्ट किया। और देख सकते हो अंदर वो गुफा स्टार्ट हो जाएगा और पूरा अंधेरा, आई डोंट नो कितना ज़्यादा आपको विजुअल होगा, बट मैं कोशिश करूँगा पूरा ये जो रास्ता है शूट कर सकूँ अच्छे से। तो केव अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अंकल कितना लंबा है ये केव किलोमीटर्स में? क्या बात कर रहे हो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। चलना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है वो अपोजिट साइड है, मैं इसको ऐसे ऐसे धक्का देते हुए जा रहा हूँ, तो स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा स्लो है। और यार क्या खतरनाक जगह, मैंने लिटरली ऐसा जगह कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। केव तो छोड़ो यार, ये जो जगह है ना भाई, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तो दो मिनट के लिए मैंने सांस लिया था यहाँ पे, आप भी सांस ले लो, क्योंकि जो रास्ता सामने आ रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। पानी इतना फ्लो में बह रहा था ना कि मुझे लिटरली आगे चलते हुए नहीं बन रहा था, दोनों तरफ से जो पहाड़ थी ना ऐसे मुझे दबा रही थी, मानो ना मुझे जाने ही नहीं देंगे आगे। जब मैं घर से निकला था ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार मैं ऐसी जगह पे आके पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं जब वहां पहुंचा ना यार एकदम से शॉक्ड हो गया था, अगर मैं थोड़ा सा भी चिल्लाऊं ना तो पूरा इको बन रहा था और काफी ज्यादा अंधेरा था। ऊपर देख रहा हूं, ऊपर पूरा से पतला सा रास्ता बना हुआ है, लिटरली थोड़ा सा ही धूप अंदर आ रहा है, तो इसीलिए फुटेज का जो कलर है काफ़ी तक काला होगा, वो आप मैनेज करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। ये जगह देख रहे हो ना आप कितना ज़्यादा डेंजरस है, तो अभी मैं थोड़ा सा संभल के वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वीडियो के चक्कर में कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और गर्मी की वजह से चश्मे भी फॉग बन रहा है। देख सकते हो आवाज से आपको पता चल रहा होगा कितना ज्यादा खतरनाक फ्लो है। भाई ध्यान दे, ये पकड़ोगे क्या? वैसे अब से ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि केव है अंदर सनलाइट आ नहीं रही है, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है यार। मैंने इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था चलो गुफा होगा, वाटरफ्लो होगा, जाके वाटरफॉल मिल जाएगा, बट ऐसी जगह है कि यार अगर संभल के नहीं चलोगे ना तो फिसल सकते हो, और फिसलने के बाद फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो जब भी मुझे चढ़ना पड़ रहा है तो मैं कैमरा किसी और को देख के फिर आराम से चढ़ रहा हूँ। तो उनमें से वो जो भाई है वो आगे से लौट कर आए, बोले कि वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा दूर है और फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो वो भी काफ़ी दूर तक गए पर वाटरफॉल तक नहीं जा पाए। तो मैं भी ट्राई करता हूँ जितना दूर तक जा सकता हूँ जाऊँगा। और बारिश स्टार्ट हो गया है, अभी थोड़ा सोने पे सुहागा, पानी तो था ही और पानी आ रहा है। तो अभी मैंने अपना फ़ोन पॉलिथीन में कर लिया है, बस उम्मीद है कि उसमें पानी ना घुसे, क्योंकि घुस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वाटर का जो लेवल है ऊपर होता जा रहा है, पता नहीं यार वाटरफॉल तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग पूछा तो उन्होंने बोला था केव जो है 5 किलोमीटर तक लंबा है, और अभी तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है।
लेट्स सी क्या होता है। Guadalupe, cu Guadalupe condor. Se Guadalupe, cu Guadalupe condor. Antina saila, amauita ilae. Antina saila, तो फाइनली हम चलते चलते इस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये जैसे आप देख सकते हो ये कैंटीन है बट क्लोज्ड है, मतलब कोई है ही नहीं दूर दूर तक यहाँ पे। और मैगी ऑमलेट ब्रेड वगैरह इधर मिलता था। तो अभी हम लोग आगे नहीं जा रहे क्योंकि ये भैया इधर आगे गए थे काफ़ी दूर तक बट कुछ मिला नहीं ना। तो हमने डिसाइड किया कि वापस चलते क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा और फिर वापस भी आना है। और जब वहाँ हम बाहर निकलेंगे तो जैसे ये बोल रहे हैं कि पूरा जंगल ही है खुला खुला सा, तो जाके मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा है क्योंकि वाटर फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और काफ़ी दूर तक जाना है। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। वैसे जगह यार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब ऐसे दिल को छू गया। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार आओगे ना तो कसम से मतलब इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको ब्लॉग में सब कुछ बता नहीं सकता। बाकी मज़ा तो बहुत आया। तो अभी वापस चलते हैं। तो कुछ ऐसा था मेरा गुच्चू पानी का सफर। सही से बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वे मैं यहाँ पे नीचे बैठ के एडिट कर रहा था, तो आप देख सकते हो मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है। ये मैंने बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे अपना ट्राईपॉड रख के वीडियो शूट कर रहा था और इसके बगल में मैं एडिट कर रहा था। बाकी अभी क्या है कि अंदर अंधेरा हो गया ना तो मैं ऐसा कैमरा बाहर निकाल के शूट कर रहा हूँ क्योंकि इधर से थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है। और अभी शाम हो चुका है ना तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है तो पूरा ऐसे अंधेरा सा हो गया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एक प्यारा सा आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और लाइक कर सकते हो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी देर से मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था, सुबह से लेके बैठा था और अब जाके मेरा ये वीडियो फाइनली ये आखिरी मेरा टेक चल रहा है, इसको ले जाके डालूंगा और एक्सपोर्ट कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैंने पिछले वाले व्लॉग में बोला था कि अब से जो व्लॉग्स आएंगे काफ़ी ज़्यादा तगड़े आएंगे, ऐसे हल्के फुल्के व्लॉग्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी सुधार के अपना कॉन्टेंट एकदम बेस्ट से बेस्ट लाऊँ। तो वो चीज़ें अभी चलती रहेगी। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप ब्लॉग देख रहे हो, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा पहले ब्लॉग के और अभी वाले ब्लॉग में। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और उन लोगों को एक बड़ा थैंक यू जो मुझे काफ़ी दिन से सपोर्ट करते, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू एंड बाय।